5 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जनता को लुभाने की कवायद भी तेज कर दी है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में तकरार इस तरह बढ़ती जा रही है और उसका पूरा असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुलकर अपनी मन की बात सामने रख दी है और यह बता दिया है कि अगर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस सपा को सीट देने को तैयार नहीं है तो यूपी विधानसभा में सपा भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एक कार्यक्रम के दौरान कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस को यह बताना होगा कि इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही है या विधानसभा चुनाव के लिए भी है। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। उधर कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी अपना जवाब साफ दे दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसा है कि ये निश्चित तौर से इस बार 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। इस बार हम निश्चित तौर से जीतेंगे और हमारी जो कार्यकारिणी है वो नवरात्र में आ रही है। नवरात्र मैंने कहा है, नवरात्र अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। बता दें कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दल अपनी अपनी धाक जमाने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। तो इसी बीच सीटों के तालमेल को लेकर सपा और कांग्रेस में खुलकर बहसबाजी भी शुरू हो गई है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो दोनों दलों के बीच बढ़ रही तकरार से इंडिया गठबंधन टेंशन में जरूर आ सकता है।